मोदी की राह पर चल पड़े हैं दिनेश लाल यादव निरहुआ। जी हां, दिनेश लाल यादव निरहुआ अपने पंत प्रधान यानी कि प्रधानमंत्री के तर्ज पर ही नामांकन भरने से पहले अपने गांव गए, अपनी मां का आशीर्वाद लिया और फिर वहां से चल पड़े आजमगढ़ की तरफ अपना नामांकन भर। ठीक उसी तरह जिस तरह अपना हर शुभ काम या अपना हर बड़ा काम करने से पहले नरेंद्र मोदी आते हैं, अपने माँ का आशीर्वाद लेते हैं, उनके हाथ का कुछ बना हुआ खाते हैं और उनकी माँ आशीर्वाद के रूप में उन्हें अपना आशीर्वाद देती है और शगुन के तौर पर कुछ पैसे भी देती है। ठीक उसी तर्ज पर यानी कि अपने पंत प्रधान की तर्ज पर दिनेश लाल यादव निरहुआ भी अपने गांव गए, अपनी मां का आशीर्वाद लिया, उनके हाथों से बना खाना खाया और फिर उन्होंने भी उन्हें शगुन के तौर पर पैसे दिए, बेटे को जीत का आशीर्वाद दिया। फिर वहां से निरहुआ चल पड़े अपने नामांकन पत्र को दाखिल करने। आपको यहां ये बता दे, दिनेश लाल यादव निरहुआ रवि किशन को भी सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं और दिनेश लाल यादव निरहुआ के तर्ज पर ही रवि किशन भी गोरखपुर में जमकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि इन भोजपुरी स्टार्स की मेहनत कितनी रंग लाती है। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।